Hey guys, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update from Seekers Adda. Hello दोस्तों, welcome to Seekers Adda. दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का टॉपिक है. ये पार्ट वन है. इसमें हम सारे बेसिक डिस्कस करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के. कौन कौन से आपके फॉर्मूले यूज होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए कहेगा. इसको आप हिंदी में चतुर्थानुपात भी बोलते हैं. तो यहाँ पर आपको ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी दिया हुआ है. इसमें से ये आपको तीन दिए रहेंगे और फोर्थ आपको जो है फाइंड करना रहेगा. ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है. ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए रेशियो को अपन, जैसे कि ए रेशियो बी है, इसे आप ए बाई बी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस ए रेशियो बी को आपने ए बाई बी लिख दिया. उसी तरीके से इक्वल का साइन वैसा का वैसा ही है. और सी रेशियो डी को आपने सी डिवाइडेड बाय डी लिख दिया. अब आपको क्या करना है, यहाँ से डी फाइंड आउट करना है. तो आपने क्या किया, डी को इस तरफ ले गए. ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा. उसी तरीके से आपने बी को इस तरफ लेके आए और ए आपका नीचे हो गया. तो आपका D की वैल्यू क्या आ जाएगी, B मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई A. ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसे. ठीक है, उसके बाद में आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए अगर कहा जाए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको वहां पर दो नंबर्स दिए रहेंगे. ठीक है, जैसे कि ए और बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है. तो मान लीजिए कि आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, एक्स हो गया. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो एक्स. ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्स फाइंड आउट करना है. तो ए रेशियो बी को लिख दिया आपने ए बाय बी और बी रेशियो एक्स को लिख दिया आपने बी बाय एक्स. बिल्कुल यहाँ के जैसे ही अपन क्या कर देंगे, इसको एक्स को इस तरफ लेगा, ए आपका नीचे आ जाएगा, बी आपका ऊपर. तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आपका क्या रहेगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए. यानी कि यहाँ पर जो भी सेकेंड नंबर रहेगा आपका, आप उसको स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे ए से, यानी कि फर्स्ट नंबर से. चलिए, अब आपको थर्ड पूछा जा सकता है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए. आपको यहाँ पर दो संख्याएं दी रहेंगी और उनका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है. कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसका रूट निकाल देना है. यहाँ से आप उसका मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे. चलिए देखते हैं आगे. इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. आपको निकालना है 5, 9, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 by 9 इज इक्वल टू 12 by. मान लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या है, x है. ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन को सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x को अपन इस तरफ ले गए, ये आ गया x. 12 आपका इस तरफ पहले से ही था, 9 आपका जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा. 12 निया होता है आपका 108 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, 5. ठीक है, तो 5 दूना कितना हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है तो 5 दूना 10 होता है, 5 एकम 5 होता है. उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या बचा, 3 बचा और, तो 5 छक्का 30. x की वैल्यू आ गई आपकी 21.6 और यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन भी है. ठीक है, उसके बाद में आपसे कहा गया है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 and 24. तो जहां पर भी मैंने आपको बताया था पिछली बार, थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप सेकंड नंबर का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड करेंगे आप फर्स्ट नंबर से. तो आप कर दीजिए 24 into 24 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा. ठीक है, तो 6 3 18 हो गया, यहाँ पे 6 4 24 हो गया, 8 3 8 24 हो गया, 8 4 कितना हो गया यहाँ पे 32. यही आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा. इसको छोटी छोटी चीजों को बस ध्यान रखना है आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना. यहाँ पर आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है 6 and 24 का. सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 6 multiplied by क्या कर देंगे, 24. ये आ गया आपका कितना, 144. और उसके बाद में मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप 144 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका 12. तो यहाँ पर 6 and 24 का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, बस आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा. चलिए रेशियो से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके. ये जो आप 4 डॉट्स देख रहे हैं, इसका मतलब होता है इक्वल.
और ठीक है, और यहाँ पर रेशियो का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, 0.75 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो डॉट थे, उसको अपन ने डिवाइड कर दिया, फोर डॉट्स का मतलब हो गया अपना इक्वल टू, और 5:8 5:8 हो गया, ठीक है। अपन को यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए x अपन ऊपर लेके गए, ठीक है। 0.75 आपका यही था, इसको ले गएंगे अपन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 8, ये ऊपर था तो चले जाएगा कहाँ, नीचे, ये हो गया 5, ठीक है। 0.75 है, पॉइंट के बाद में दो पॉइंट के बाद में आपके दो नंबर्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5, 25 दिया 75 होता है, 25 चौके 100, 4 2 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/5। इसको आप और अगर तोड़ना चाहे तो 5 एकम 5 होता है, 5 2 10 होता है, तो 1.2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1.2, ठीक है। ऐसे ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं आपके, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कई ऐसे क्वेश्चंस आपके SSC के एग्जाम में आते हैं जहाँ पर आपको x की वैल्यू या फिर a b कुछ भी आपको एक वेरिएबल दे दिया जाएगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको इसी तरीके से इसके लिए सॉल्व करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका आता है, यहाँ पर आपको बता दिया गया है a रेशियो b इज इक्वल टू 5:9, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:11। तो आपको फाइंड आउट करना है ए रेशियो सी, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो चलिए देखते हैं ए रेशियो सी सबसे पहले अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए रेशियो बी आपको दे दिया गया कितना, 5:9, बी रेशियो सी आपको दे दिया है कितना, 6:11। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में आप अपना ए रेशियो सी निकालेंगे। देखिए ए रेशियो बी का आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया कितना, बी रेशियो सी से, इनको और इनको अपन ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पूरे अल्फाबेट्स अपन ने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिए, पूरे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो अपन ने राइट हैंड साइड पे ले लिए। ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी बाय सी हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर ए बाय बी की वैल्यू कितनी, 5:9, और बी बाय सी की कितनी है, 6:11, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी और बी आपका कैंसल आउट हो गया, तो ए बाय सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3 3 3 2 6 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 5 2 कितना हो गया, 10, और 3 3 कितना हो गया, 33। तो आपका ए रेशियो सी यहाँ निकल के आ जाएगा 10:33, ठीक है। बस ध्यान आपको यहीं पे रखना है, अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे इनका रेशियो निकालने के लिए। आपने क्या कर देना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर आपका रेशियो निकल के आ गया। अब अपन सॉल्व करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालना है। इसके कई मेथड है, सबसे आसान मेथड अपन यहाँ पर देख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का। यहाँ पर देखिए अपन को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब देख लीजिए ए रेशियो बी आपको कितना दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है आपका, बी रेशियो सी अपन ने यहाँ पर लिख दिया 6:11 कितना हो जाएगा, 11। अब अपन क्या करेंगे, जो भी आपका स्पेस खाली है उसके जस्ट बगल में जो आपका नंबर दिया हुआ है उसको उससे फिल कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक सी का एक स्पेस खाली है, उसके बाजू में कौन है, 9, अपन ने 9 ले जाकर यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर स्पेस खाली है तो इसके बाजू में कौन है, 6, तो इसको ले जाके अपन ने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब अपन क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 6 9 कितना हो जाता है, यहाँ पे 54 हो जाता है, और 6 5 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ये आ गया आपका रेशियो, इसको आप क्या कर दीजिए, अब और कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए 3 से 0 तो 3, ये 10 हो गया, 3 1 3 3 37 3 8 24 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9। तो ये आ गया सीधे सीधे आपका क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी। और जो मेथड्स है वो काफी कंफ्यूजिंग है, जिसमें आप गलती कर सकते हैं। ये सबसे आसान मेथड है आपका, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको थोड़ा सा वहां पर कैंसल आउट करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपका। एक बार फिर से देख लीजिए, ए रेशियो बी 5:9 दिया हुआ था, बी रेशियो सी 6:11 दिया हुआ था। यहाँ पर आपका एक स्पेस खाली था, यहाँ पर आपका एक स्पेस खाली था, जो भी स्पेस खाली रहता है उसके बाजू में जो भी नंबर रहेगा आप उसे ले जाकर वहां पर रख देंगे। देखिए इसके बाजू में क्या था, 9, तो 9 को ले जाकर अपन ने यहाँ पर रख दिया। इस स्पेस के बाजू में क्या था, 6, तो 6 को ले जाकर यहाँ पर रख दिया। आप क्या करते हैं, जब भी किसी प्लेस को भरना रहता है तो अपन क्या करते हैं, उसके बाजू वाले नंबर से करते हैं, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 11
सिक्स इंटू नाइन हो जाएगा, 5 × 6, और इसको आप फिर क्या करेंगे, और जितना छोटा आप इसको लेके आ सकते हैं लेके आएंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो ये अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये शायद एसएससी में आया हुआ है आपका। यहाँ पर आपको बता दिया गया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7, आपको निकालना है 3a + 5b रेशियो 5a - 2b कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, 3a + 5b डिवाइडेड बाई 5a - 2b। ठीक है, तो अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, जहां पर आपको ए और बी की वैल्यू दे दी गई है, ए रेशियो बी दे दिया गया है, और यहाँ पर आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको तोड़ेंगे ए रेशियो बी के फॉर्म में। अब मान लीजिए आप यहाँ से क्या करते हैं, इस पूरे से आप क्या करते हैं, बी कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अब बी यहाँ पर तो है नहीं, तो अपन क्या कर देंगे, 3a × b / b। अपन किसी भी संख्या या फिर नंबर में उसी चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b एज इट इज था। यहाँ पर अपन को b कॉमन निकालना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ a है, तो अपन क्या कर दिए, यहाँ पर भी b का मल्टीप्लाई और b को आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2b है, अपन क्या करते हैं दोनों तरफ से आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से बी अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप बी को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी अपन ने कॉमन निकाल लिया, 3a, बी तो अपन ने निकाल लिया था, नीचे वाला क्या बचेगा, बी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से देखिए आप क्या निकालेंगे, बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5। यहाँ पर भी अपन ने बी कॉमन निकाल लिया, देखिए बी कॉमन यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5a, नीचे में आपका एक बी रखा हुआ है, -2। ठीक है, बी आपने कॉमन निकाल लिया, बी और बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3a / b + 5, 5a / b - 2। अब देखिए a बाई बी की वैल्यू आपको दी हुई है 5/7, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, 3 5/7 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5/7 - 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, प्लस 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35, डिवाइडेड बाय 7 आपका वैसे ही है, 5 × 5 = 25 आपका ये हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 आपका ऐसे ही है। 7 और 7 आपका यहाँ से खत्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 में से 14 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 11। तो इस पूरे इक्वेशन का यानी कि 3a + 5b डिवाइडेड बाई 5a - 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 50/11। ठीक है, ध्यान आपको यही रखना है कि आपको हमेशा b को कॉमन आउट करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर a बाई बी आ जाएगा, और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी रहेगी, उसको पुट करके आपको अपना आंसर निकालना है। तो ये था दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक एक वीडियो, तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, थैंक यू दोस्तों।